मूवी बेक और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन ऑल। तो यार आज के इस वीडियो में हम बाकी के एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत बड़ा थ्रेट बन गया था बाकी यूनिवर्स में। वो इतना बड़ा थ्रेट बन गया था कि पिकल और बाकी और यूजुरो हानमा जैसे बड़े बड़े लोग तक उससे घबराने से लग गए थे, और वो है मायामोटो मोशासी यानी कि मोशासी इन अ नटशेल। तो यार इनकी स्टोरी की शुरुआत कई समय पहले हो चुकी थी, 350 साल पहले। मोशासी हमें पहली बार बाकी डो के चैप्टर में देखने को मिला था। इसके बारे में और बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि बाकी में तो मोशासी अलग है, लेकिन रियलिटी में भी मोशासी मायामोटो हुआ करते थे जापान में, और उन्होंने एक खास तरीके की टेक्निक बनाई थी जिसका नाम है नाइटेन इचिरियू। इसमें होता यह है कि आप एक सिंगल मशीन की तरह दोनों हाथों से तलवारें चला सकते हैं और कुछ भी काट सकते हैं। ऐसे ही एक दिन बाकी यूनिवर्स में सभी के सभी बड़े कैरेक्टर्स बोर होने लगते हैं, सभी को यौन आने लगती है, तभी मोशासी का जन्म होता है, उसे क्लोन किया जाता है। खैर कुछ डॉक्टर मिलकर मोशासी को क्लोन कर तो लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ बॉडी ही बना पाते हैं, उसकी आत्मा भला वो कहाँ चलेंगे। इन सब चीजों के लिए वो टोकुगावा से बात करते हैं, और तब हमें पता चलता है कि टोकुगावा की एक ऐसी बहन है जो कि वुडू मैजिक करती है। बिना टाइम गवाए टोकुगावा की बहन को बुलाया जाता है और वो कुछ कुछ मैजिक करती है, और फिर तुरंत ही उसको लिप किस देकर उसकी आत्मा को उसके शरीर में डाल देती है। इन सब के बाद तो जैसे मायामोटो मोशासी का क्लोन जिंदा ही हो जाता है। असली आत्मा को उठाकर एक क्लोन की बॉडी में डालना ही आगे चलकर सच में बहुत बड़ा थ्रेट बन जाता है इनके लिए। मोशासी का क्लोन कुछ समय तो अच्छे से रहता है, लेकिन उसके बाद वो मेंशन चला जाता है टोकुगावा के साथ, और फिर वहाँ पर वो थोड़ी एक्सरसाइज करता है। वो एक बैम्बू को पकड़कर इतनी जोर से स्विंग करता है कि वो फट जाती है। जो हमारे हीरोज बोर हो रहे थे उनके चेहरे में खुशी आ जाती है, और वो तुरंत ही लड़ने आ जाते हैं बिना वक्त गवाए मायामोटो मोशासी से। यहाँ तक कि यूजुरो हानमा भी खुद भी आते हैं उससे लड़ने के लिए। उनके बीच थोड़ी बहुत घास होनी होती है, थोड़ी सी फाइट होती है, इसके बाद मोशासी उन्हें काटने की कोशिश करता है। यूजुरो को एक भी खरोच नहीं आती है, देखकर मोशासी बहुत खुश होता है और ये भी कहता है कि तुम्हारी बॉडी एक जैपनीज आर्मर की तरह है जो कि बहुत ज्यादा सख्त होती है। खैर इसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है और खुद रेस्सू भी मौत के मुंह में चला आता है इससे लड़ने के लिए। जैसे उस समय बॉक्सिंग कर रहा होता है तो वो अपने करियर के पीक पर होता है, लेकिन फिर भी वो एक अच्छे फाइट की तलाश में आया होता है मोशासी के पास। बहुत बातचीत करने के बाद मोशासी और रस्सू के बीच फाइट आखिरकार शुरू हो ही जाती है। उसमें हर तरह के वेपन यूज किए जा सकते हैं। इसी का फायदा उठाकर रस्सू भी बहुत सारे वेपन मोशासी के ऊपर यूज करता है और सच में उसकी हालत खराब कर देता है। लेकिन मोशासी एक ऐसा स्लैश करता है जो कि उसके कमर में लगता है सीधा जाकर, जिससे उसके ऑर्गन सहित रीढ़ की हड्डी भी कट जाती है और रस्सू की मौत हो जाती है। खैर इन सब के बाद पिकल की मुलाकात मोशासी से होती है। पिकल उस समय बिल्कुल सीवर में ही चला गया होता है और वहीं पर कुछ जीव जंतुओं को मारकर खा रहा होता है। हम तो अच्छे से जानते ही हैं कि पिकल की चमड़ी कितनी ज्यादा सख्त है, उसे डायनासोर्स तक नुकसान नहीं पहुंचा पाए, लेकिन मोशासी उसे भी काट देता है। वो पिकल की सच में हालत खराब करके रख देता है। खैर आगे और भी कई सारे फाइटर्स से उसकी कहासुनी होती है, जैसे कि डोपो ओरोची। आगे चलकर मोशासी और बाकी की भी फाइट शुरू हो जाती है। इसमें मोशासी हाथ से ही एक ऐसा कट मार देता है बाकी को कि बाकी को लगता है कि उसका आधा शरीर ही कट गया है। खैर रस्सू को मारने के बाद और भी कई लोगों से लड़ने के बाद, जैसे कि इजो मोटोबे एक बहुत ही अच्छे वेपन मास्टर है नए युग के, मोशासी इजो को भी बीच से काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि इजो ने एक बहुत ही मोटा आर्मर पहना रखा होता है। फिर भी इजो को अच्छी खासी चोट लग जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ जाता है। कई लोगों पर जानलेवा वार करने के बाद और रस्सू को तो जान से मारने के बाद आखिरकार मोशासी के ऊपर केसेस होने लग जाते हैं। बहुत बड़ी पुलिस फोर्स भी आती है मोशासी को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी ये सब काफी नहीं होता है, और वहाँ वो लाशें बिछा देता है सभी पुलिस वालों की। ये सब देखकर वहाँ के फाइटर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों को भी बीच से काट सकता है और बहुत बड़े बड़े आर्मर्स को भी बीच से आराम से चीर सकता है। एक पुलिस वाले को तो उसने गन सहित बिल्कुल बीचों बीच से ही काट डाला था। इसके बाद तो सच में बहुत डर का माहौल बढ़ गया बाकी यूनिवर्स में। खैर इतना कत्लेआम देखकर रहा नहीं गया टोकुगावा की बहन से वापस आए, फिर से उसे लिप किस देकर उसकी आत्मा को निकाल दिया और फिर से क्लोन वाली बॉडी वहीं रह गई। मोशासी की बॉडी को सेफली एक कंटेनर में रख दिया गया है। आई होप कि आने वाले समय में भी वो हमें देखने को मिले। मोशासी के कई चैप्टर्स अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, तो इसीलिए उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। जितने हो सके मैंने आपको देने की कोशिश की है। हमारे सब्सक्राइबर BEE88 चाहते थे कि मैं ये वीडियो बनाऊं, तो इसीलिए मैंने बना दिया। अगर आप भी चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिए, मैं 100% वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी और अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। लव यू ऑल। आई एम आउट।